थी। अब जरा आते हैं एक और बड़ी खबर की और बात करते हैं बटाधुरिया इलाके का, जहां पर ऑपरेशन पिछले दो दिन से जारी है और दो दिन के दौरान वक्फे से हमने उस कौमी शाहरा को भी बंद होते देखा, जो जम्मू पुंछ शाहरा है उसको भी बंद होते हुए देखा और वक्फे से वो खोला भी गया। और आज भी तकरीबन 7 घंटे तक पुंछ बटा और जम्मू का जो रास्ता है वो क्लोज कर दिया गया सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर बटाधुरिया इलाके के आसपास, क्योंकि इस बटाधुरिया फॉरेस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर पिछले दो दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा कर दी गई, बाहर का एरिया जो है वो सील कर दिया गया और अंदर पैरा कमांडोज को ड्रॉप इन कर दिया गया। और आज दूसरे दिन के इख्तिताम पर सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास जो हमें अपडेट करेंगे। जमशीद अपडेट कीजिएगा, बटाधुरिया का इलाका लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, तकरीबन 10-15 दिन लगातार हेडलाइंस में बना रहा, आज साल का इख्तिताम की ओर हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर बटाधुरिया इलाका सुर्खियों में और खबर यह है कि पिछले 24 घंटों से लगातार ऑपरेशन जारी है, कई बार श्रीनगर पुंछ कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया और आज भी तकरीबन 7 घंटे तक शाहरा पर को चलने की इजाजत नहीं थी। और बिल्कुल अगर बटाधुरिया इलाके के जंगल की बात करें, नवंबर के महीने में ये जंगल तकरीबन 1 माह तक सुर्खियों का था, जहां आए दिनों फायरिंग की आवाजें सुनाई देती थी। दौरान जंगल में हुए एनकाउंटर में सेना के साथ जवान तकरीबन धमाक हुए थे, इसके बाद 1 महीना तक तकरीबन जम्मू पुंछ हाईवे को गाड़ी से आवाजाही के लिए बंद रखा गया था। मगर पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो 15 दिन के बाद दोबारा इस जंगल के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया था, जो 3 रोज पहले एकदम दोबारा सुर्खी में इस वक्त आया, जब रात को इस जंगल के अंदर जोरदार धमाकों की आवाजें और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। इसके बाद परसों हमने देखा था देर शाम को ही जम्मू पुंछ हाईवे को कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया गया, सुबह दोबारा फिर खोल दिया गया। उसके बाद पिछले दिन में कल भी हमने देखा कि उसको दोबारा गाड़ियों के आवाजाही के लिए बंद कर दिया, मुझे दोबारा बहाल कर दिया। मगर इस दौरान पहली बार आज सुबह 8 बजे तकरीबन चारा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद तकरीबन 7 या 8 घंटे इस चारा को बंद रहने के बाद फिलहाल इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही को बहाल कर दिया। मगर आज किसी तरह की जंगल से फायरिंग की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है। मगर पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो लगातार इस जंगल से धमाकों की आवाजें जोरदार सुनाई दे रही है। ये जंगल पिछले साल भी इसी तरह सुर्खियों में रहा और आज भी इसी तरह सुर्खियों में दोबारा देखने को मिला, क्योंकि सेना की तरफ से जंगल की निगरानी के लिए जहाज का इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि ये सेना की तरफ से सेना के एक जराये से हमारी बात हुई, अपना नाम ना जाने की शर्त पर यह बात जरूर कही है कि जंगल को सिर्फ सैनिटाइज किया जा रहा है, हालांकि आगे से किसी तरह की कोई जवाब गोलियों या तरह नहीं आया। मगर उसके बावजूद भी सेना की तरफ से पूरे जंगल को आज भी महासरे में लिया गया, पिछले 15 दिन से ये जंगल सेना के महासरे में, हालांकि हमने सेना के अधिकारियों। अच्छा, खबर ये भी है कि आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसर भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी हालात का मुआयना लिया है और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि शाहरा को खोल दिया जाए। बिल्कुल गौर, आज SSP पुंछ भी स्पॉट पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं, क्योंकि विशेषता वर्ग की बात भी हम कर रहे हैं, इसी तरह के हालात बने थे और एकदम चारा के बंद कर दिया गया था और आज भी दोबारा वैसे हालात देखने को मिले, क्योंकि SSP पुंछ ने दूसरा चक्कर लगाया इस इलाके का और हालात का जायजा लिया। हालांकि आज की जिस तरह हम बात करें तो आज के दिन में कोई फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई देती है, जंगल के अंदर आज भी सेना के बहुत सारे जवान जो आज भी मौजूद है और जंगल के बाहर हाईवे के बाहर भी सेना के जवान हो या दिल्ली की पुलिस के जवान वो देखने को मिल रहे हैं। मगर आज SSP पुंछ ने मौके का दौरा भी किया और उसके बाद उनके पहुंचने के बाद शाहरा को गाड़ी की आवाजाही के लिए जरूर बहाल कर दिया गया। मगर जिस तरह सेना ने अभी तक पूरे इलाके को महासरे में लिया, इससे लगता है आने वाले कुछ दिनों तक और ये सर्च ऑपरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बटाधुरिया इलाके के अंदर यह ऑपरेशन जारी रहेगा, तहम आज 7 घंटे के वक्फे के बाद पुंछ जम्मू रास्ते को खोल दिया गया और गाड़ी